सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज से सावन का महीना शुरू हो गया है और सावन के महीने में देश भर में, पर खास करके नॉर्थ इंडिया में, जो कांवड़ियाँ होते हैं वो हरिद्वार जाते हैं, वहाँ से जल लेकर आते हैं और दिल्ली सरकार कांवड़ियों के लिए, जो कांवड़ यात्रा करके आ रहे हैं, उनके लिए दिल्ली में कई जगह पे कांवड़ शिविर लगाते हैं। और दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, ऐसे श्रद्धालुओं के लिए, ऐसे भक्तों के लिए बढ़िया से बढ़िया अरेंजमेंट्स करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली में कुल मिलाकर इस साल 185 कैंप्स दिल्ली सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हैं, पर प्रमुखतः जो शाहदरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें 38, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 29, सेंट्रल दिल्ली में 22, ईस्ट दिल्ली में 19 और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कई जगह पे कांवड़ शिविर लगाए जा रहे हैं। तकरीबन 15 से 20 लाख ऐसे कांवड़िए दिल्ली के थ्रू होकर जाते हैं और समाज के भी लोग और साथ में सरकार की भी मदद से इनके लिए इंतज़ाम करते हैं। जैसा मैंने आपको कहा, 185 ऐसे कांवड़ शिविर लगाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का ये मकसद रहता है कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट अरेंजमेंट्स दें। तो जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी है, तब से हाई क्वालिटी वाटरप्रूफ टेंट्स का अरेंजमेंट दिल्ली सरकार की तरफ से किया जाता है। वहाँ पे कैंप्स में प्रॉपर पानी का इंतज़ाम और टॉयलेट्स का इंतज़ाम, कि किसी भी प्रकार की दिक्कत, जो कांवड़िए इतना लंबा डिस्टेंस तय करके पैदल बिना चप्पल पहने आ रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक हाइजीनिक अरेंजमेंट दिल्ली सरकार की तरफ से किया जाता है। वाटरप्रूफ टेंट्स इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि सावन का महीना है, अक्सर बरसात हो रही होती है, तो हाई क्वालिटी वाटरप्रूफ टेंट्स का अरेंजमेंट किया गया है। उसके अलावा जो सारे कांवड़ शिविर लग रहे हैं उसमें मेडिकल अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी दूरी से पैदल बिना चप्पल जूते के चल के आते हैं कांवड़िए, तो उनको कई प्रकार के हेल्थ इश्यूज़, कई बार पैरों पे इंजरीज, क्योंकि मानसून का सीज़न है तो उसकी वजह से कई बार वाटरबोर्न डिजीज़ वगैरह भी हो जाते हैं। तो इन सारे शिविरों में मेडिकल अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं, सो दैट किसी भी प्रकार की मेडिकल समस्या आए तो उसका इलाज हो सके। इसके अलावा टेंट, फर्नीचर, फैंस, बेडिंग्स, ये पूरा अरेंजमेंट भी दिल्ली सरकार की तरफ से किया जा रहा है। दिल्ली सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन सब अरेंजमेंट्स को कर रहा है। लगातार मेरे लेवल पे एज रेवेन्यू मिनिस्टर, डिविजनल कमिश्नर के लेवल पे इसके रिव्यू होते रहे हैं। शुरू में ही जून से ही कांवड़ शिविर की तैयारियाँ चल रही हैं और अब तकरीबन ये 185 जो शिविर दिल्ली सरकार लगा रही है, ये शिविर रेडी हैं। आज सावन का महीना शुरू हुआ है। दिल्ली में 25 तारीख के बाद से जो कांवड़िए हैं वो आना शुरू करते हैं, तो इसलिए आने वाले 2 से 3 दिन में ये सारे जो हमारे 185 कांवड़ शिविर हैं, यहाँ पे अरेंजमेंट्स पूरे हो जाएंगे। हम सभी दिल्ली वासियों से अपील करते हैं कि जहाँ पर भी हो सके, सरकार तो अपने अरेंजमेंट्स कर ही रही है, पर ऐसे जो धार्मिक काम होते हैं वो सामाजिक सपोर्ट से ही होते हैं। तो मेरी सभी दिल्ली वासियों से भी अपील है कि जहाँ जहाँ पर वो भी सहयोग कर सकें, जहाँ जहाँ पर वो भी कांवड़ियों की मदद के लिए, उनके खान पान के लिए कोई भी अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, तो हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वह ज़रूर ऐसा करें। थैंक यू। ये मैं आपको चेक करके बता दूँ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जो नेम प्लेट को लेकर आज सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है यूपी सरकार के, उत्तराखंड और एमपी सरकार की साजिश पर। भारतीय जनता पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है। ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में ये ध्येय था कि वो 400 सीटें लेकर आएंगे और 400 सीटें लाकर संविधान को बदलेंगे, संविधान से आरक्षण को हटाएंगे, वरना 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी क्यों लगा रही थी। और यही कारण है कि देश भर में
भारतीय जनता पार्टी के ऐसे गलत प्रयासों को रोकने के लिए दलित समाज ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया, और आज दलितों से बदला लेने के लिए, उनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहां से आदेश पारित कर रही है। देखिए, हमारे समाज में, हिंदू धर्म में ये बिल्कुल त्रुटि रही है कि जो एक ऐसी मान्यता रही है कि हम दलित समाज के व्यक्ति के घर में उनके हाथ का खाना नहीं खाएंगे, लेकिन आज के इस आधुनिक युग में, आज के इस पढ़ाई लिखाई के दौर में ऐसी सब मान्यताएं समाप्त हो रही हैं। सब राजनीतिक दलों का काम होना चाहिए, ये उनकी कोशिश होनी चाहिए कि इस हर प्रकार की मान्यता को खत्म किया जाए, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ऐसे आदेश देती है और किसी को अपना सरनेम, अपना कास्ट, अपनी दुकान पे, अपने ठेले पे लिखना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल इसी कारण से किया जा रहा है कि जो लोग कांवड़ यात्रा पे जा रहे हैं वो दलित समाज के लोगों से ना फल खरीदें, ना खाना खरीदें, उनके ढाबों पे, उनके रेस्टोरेंट्स पे खाना ना खाएं। और मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस दलित विरोधी मानसिकता वाले आदेश पर रोक लगाई। मैं विश्व हिंदू परिषद ने एलजी को लेटर लिखकर यही व्यवस्था दिल्ली में भी लागू करने के लिए मांग की है। मैं तो कह ही रही हूँ, विश्व हिंदू परिषद दलित विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, उनके बाकी सारे उनके जो जुड़े हुए संगठन है वो दलित विरोधी हैं, और वो हर संभव कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रकार के दबे कुचले समाज को, दलित समाज को कोई भी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाए।